Hello everyone welcome back to simple pharma basics this is arti today i am going to discuss about the bcs classification of drugs but before that if you are new to my channel do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification and don't forget to like the video नाउ टॉकिंग अबाउट द बी सी एस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बी सी एस स्टैंड फॉर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासीफिकेशन सिस्टम ऑफ़ ड्रग क्लासिफिकेशन जिसमें ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिबिलिटी इन एक्व मीडिया एंड देयर परमेबिलिटी थ्रू द इंटेस्टल मेमरेन बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल क्लासीफिकेशन हम पहले ये देखते हैं कि जब भी आप कोई ड्रग लेते हो बाय ओरल रूट फॉर एग्जाम्पल टैबलेट दैन वॉट हैपन्स टू इट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब भी आप टैबलेट लेते हो वो जाती है गेस्ट्रो इंटेस्टेनल ट्रैक में एंड आफ्टर गोइंग टू गैस्ट्रो इंटेस्टेनल ट्रैक इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड डिस इंटीग्रेशन मतलब जो टैबलेट आपने ली थी वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है देन गैस्ट्रो इंटेस्टैनल ट्रैक में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टेनल फ्लूड जो कि एक्वियस नेचर का होता है और जो हमारा ड्रग था जो टैबलेट में हमारा ड्रग प्रेजेंट था वो उस फ्लूड में डिजोल्व हो जाता है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूड के साथ में जब ड्रग डिजोल्व हो जाता है देन इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ है देन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेमरिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेमरिन जो है एक लिपिड फॉस्फोलिपिड बाय लेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन है जैसे कि बाकी मेम्ब्रेन्स बने हैं बॉडी के वैसे ही ये मेम्ब्रेन बना है लिपिड स्ट्रक्चर में है तो जब भी हमारा सॉल्यूशन ड्रग का सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा ड्रग इस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होकर के वो सीधा जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में और उसके बाद में जो है हम लोग ड्रग की बायो अबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं इन द ब्लड रेट ऑफ एब्जॉर्ब्शन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ अ ड्रग थ्रू अ इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन मतलब कि ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगा थ्रू अ इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन वो डिपेंड करता है ड्रग की परमेबलिटी पे जितना ज़्यादा ड्रग परमिएबल होगा उतना ज़्यादा उसका एबजॉर्बशन होगा मतलब उतना ही ज़्यादा ड्रग जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और उतनी ही ज़्यादा उस ड्रग की बायो अवेबिलिटी होगी परमेबिलिटी ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक इट्स हाइड्रोफिलिसिटी लिपोफिलिसिटी उसका पार्टीशन कोफिशियंट एंड उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इन सब फैक्टर्स पे जो है ड्रग की परमेबिलिटी डिपेंड होती है इन ये पूरी प्रोसीजर में हम लोगों ने दो चीज़ देखी है एक तो सोलिबिलिटी जहाँ पर हमारा ड्रग इंटेस्टाइनल फ्लूड के साथ में मिक्स होकर सोल्यूशन बना रहा था और दूसरी चीज़ है परमेबिलिटी और इन दो ही चीज़ों के बेसिस पे बी क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस uh, कौन से क्लासेस में ये ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है सो so बेसिकली चार क्लासेस में ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है इन द बेसिस सिस्टम ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी जिसका चार्ट आप लोगों के सामने है तो इसको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले आपको एक काम करना है आपको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपको फाइव रोज और थ्री कॉलम्स का एक टेबल ड्रॉ करना है देन फाइव रोज में आपको सबसे पहले जो तीन कॉलम बनाए हैं पहले कॉलम की हेडिंग देना है क्लास सेकंड कॉलम की हेडिंग देना है सोलिबलिटी थर्ड कॉलम की हेडिंग देना है परमेबिलिटी अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले सोलिबिलिटी लिखे या परमेबलिटी लिखे तो याद रखना कि जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताई थी कि ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद में क्या होता है तो पहले सोल्यूबल होता है फिर उसकी परमेबिलिटी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप सोल्यूबल सोलिबलिटी लिखा देन परमेबलिटी लिखना देन क्लास में आप नीचे वन टू थ्री फोर लिखना बिकॉज फोर क्लासेस है ना तो आप वो लिखना देन आप आप लोगों ने मे बी एक सॉन्ग सुना होगा दैट इज अ मूवी का नाम मुझे पता नहीं बट एक सॉन्ग है जिसमें बीच में ऐसी रिदम आती है लाइक हाय उफ हाय उफ हाय हाय ये रिदम आती है तो वहाँ पर आप उफ के जगह लो याद रखना तो हाय लो हाय लो हाय हाय देन आफ्टर रिमेंबरिंग दिस सिक्वेंस आपको क्या करना है कि आपने जो तीन कॉलम बनाए थे उसमें से सेकेंड कॉलम था सोलिबलिटी का वहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है लाइक हाई लो हाई लो देन हाई हाई जो है वो परमेबिलिटी के कॉलम में जाएगा बिकॉज हमारी चार ही रोज़ बची है अभी तो हाई लो हाई लो हाय हाय देन बचे हुए दो हैं वो लो लो लिखना है आपको इस तरह से अगर आप लिखोगे अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिखता है जीपैट में या किसी भी एग्ज़ाम में दिखता है इस चार्ट के बेसिस पे तो आपने सीधे आपको थर्टी सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इस चार्ट को बनाने में और आपका वो क्वेश्चन आपको प्लस फोर आ, मार्क्स जरूर देगा उसके बाद में मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ लाइक क्लास वन के एग्जाम्पल है मेटेप्रोलॉलॉल ड्रग क्लास टू का एग्जाम्पल है निफिडिपिन ड्रग क्लास थ्री में आता है एमिटिडिन ड्रग देन क्लास फोर में आता है टेक्सोल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है टेक्सोल वो क्लास फोर का ड्रग है अगर आपको अब कोई पूछता है कि क्लास वन के ड्रग्स कैसे होते हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि हाई सोलिबिलिटी हाई परमिबिलिटी ड्रग होते हैं अगर आपको किसी ने पूछा कि हाई सोलिबिलिटी लो परमिबिलिटी ड्रग कौन से आ, क्लास में आते हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि क्लास थ्री में आते हैं आ, तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियोज़ में आगे लाती रहूँगी थैंक यू ऑल द बेस्ट